सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार द्वारा देशवासियों को बचाने और संक्रमण के चपेट में आए लोगों के इलाज के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के सामने इस वक्त एक और बड़ी चुनौती आ पड़ी है और ये है फर्जी, अपुष्ट और निराधार खबरों का फैलना, यानी फेक न्यूज पर अंकुश लगाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि वो संकट की इस घड़ी में मीडिया के संचालन से जुड़े दिशा निर्देश जारी करे, ताकि इस वक्त समाज में बड़े पैमाने पर घबराहट ना फैलने पाए। डीएनएस में आज हम आपको बताएंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किया और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े दूसरे पक्षों को भी। दरअसल कोरोना के संकट के दौरान केंद्र सरकार को यह अंदेशा था कि किसी भी फेक न्यूज से समाज में भारी पैमाने पर भगदड़ मच सकती है। इसीलिए बीते 31 मार्च को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से गुजारिश की कि कोविड-19 से जुड़ी कोई भी जानकारी छापने या दिखाने से पहले मीडिया सरकार को इसकी पुष्टि कराए। सरकार के इस आग्रह पर अदालत ने मीडिया को कुछ दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन साथ ही अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि वो स्वतंत्र चर्चा के अधिकार में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। अदालत ने सरकार को आगामी 24 घंटों में मीडिया के सभी माध्यमों से कोरोना वायरस के बारे में हो रही घटनाओं और तथ्यों पर एक दैनिक बुलेटिन शुरू करने का आदेश दिया। ये फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने दिया है। इस बारे में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया, खासकर वेब पोर्टल द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किसी भी गलत जानकारी से आम आदमी के बीच भगदड़ और उहापोह के हालात बन सकते हैं। मौजूदा संकट के हालात में इस तरह के किसी भी रिपोर्टिंग से पूरे देश को काफी नुकसान पहुँच सकता है। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस प्रकार आतंक फैलाना एक प्रकार का अपराध माना गया है। विशेषज्ञों की माने तो अदालत ने अपने फैसले से पत्रकारिता की आजादी और ऐसी स्थिति के दौरान समाज में घबराहट से बचने की जरूरत दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वैसे तो फेक न्यूज की परिभाषा काफी व्यापक है और इसकी कई शाखाएं हो सकती हैं। लेकिन आम शब्दों में बताएं तो फेक न्यूज में झूठे लेख या समाचार या जानकारियां शामिल की जाती हैं। इसका मकसद पाठकों को गुमराह करना होता है। फेक न्यूज प्रसारित करने को काम को येलो जर्नलिज्म भी कहा जाता है। इस प्रकार ऐसी फेक सामग्री जो जनता के मन में डर पैदा कर सकती है को कोरोना वायरस के मौजूदा संकट प्रबंधन की राह में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर कोरोना वायरस से जुड़े कई प्रकार की अफवाहें चल रही हैं। इसके चलते न केवल आम आदमी के मन में भ्रम पैदा हो रहा है, बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही हमारी लड़ाई भी कमजोर पड़ रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये फेक न्यूज और अफवाहों का ही नतीजा था कि भारी मात्रा में प्रवासी मजदूरों और गरीबों का पलायन होने लगा था। बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद उम्मीद है कि अब मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अफवाहों पर लगाम लगाएगा। इसके बाद ही हम कहीं जाकर कोरोना को हरा पाएंगे।